नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़, एडमिशन ओपन। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़, एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़, एडमिशन ओपन। जिले भर में संकट मोचन हनुमान की जयंती शनिवार को मनाई गई। इस दौरान मंदिरों की सजावट की गई और राम भक्त हनुमान की प्रतिमाओं का मनमोहक श्रृंगार किया गया। भगवान को भोग लगाया गया। जगह जगह पर भजन संध्या व अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम भी हुए। बीते 2 साल कोरोना के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाए, ऐसे में इस बार हनुमान जयंती पर भी भक्तों में उत्साह देखा गया। मंदिरों में सुबह मंगला आरती हुई, दोपहर को आरती हुई और सुंदर कांड पाठ के आयोजन के साथ पवन पुत्र को खाद्य सामग्री का भोग भी लगाया गया। इसी प्रकार जिले भर में कार्यक्रम हुए। बजरंग बली की जयकारों से मंदिर गुंजायमान रहा। बड़ा देव स्थित हनुमान मंदिर व श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्त दर्शन को जुड़ गए। उनके द्वारा हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। इस दौरान बजरंगी को प्रिय लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद बांटा गया। इस दिन बजरंग बली के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनका व्रत रखते हुए उनकी मनपसंद चीज का भोग प्रसाद में लगाते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति के साथ सारे कष्ट भी दूर होते हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव है, साल में 2 बार उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। एक बार दिवाली पर, एक बार ये चैत्र पूर्णिमा के दिन। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लोग दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मनोती मांगते हैं अपना। ये बहुत अति प्राचीन मंदिर है ये आजमगढ़ शहर का। यहाँ लोग अपना पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पे लड्डू चढ़ता है, चना चढ़ता है, बुनिया चढ़ती है और ये थोड़ा बहुत होता है। साइबर अपराध के अनगिनत मामलों को सुलझाने में महारत हासिल करने वाले सुपर कॉप आईपीएस त्रिवेणी सिंह की मदद से जनपद की पुलिस ने अंगूठा निशान का क्लोन तैयार कर लोगों के बैंक खाते से रुपए उड़ाने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। महनाजपुर क्षेत्र का रहने वाला आरोपी अब तक 150 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। महनाजपुर कस्बे के रहने वाले मोहम्मद गफ्फार खान ने बीते 14 अप्रैल को परिक्षेत्र की साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के खाते से ज्ञात साइबर अपराधी द्वारा लगभग 2 लाख रूपए निकाल लिए गए। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर पूरे प्रकरण से पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को अवगत कराया गया। उन्होंने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तैनात एवं जिले में पूर्व में तैनात रहे पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह, जिन्हें साइबर अपराध को सुलझाने में महारत हासिल है, उनसे मदद मांगी। सुपर कॉप त्रिवेणी सिंह की मदद से सारे तथ्य जुटाकर साइबर अपराध करने वाले अपराधी आहगीर शेख उर्फ आदिल पुत्र अली अब्बास निवासी ग्राम सेहुका अबीरपुर थाना क्षेत्र महनाजपुर को शुक्रवार की शाम गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से लैपटॉप में चार्जर, फिंगरप्रिंट तैयार करने में प्रयुक्त केमिकल, बायोमेट्रिक स्कैनर, 200 से ज्यादा तैयार किए गए फिंगरप्रिंट क्लोन, फिंगरप्रिंट पैड, बटर पेपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा 2 मोबाइल फोन सहित अन्य उपकरण बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो जानकारी मिली कि वो पहले ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन करता था। उसके यहाँ 1 साल पूर्व आए रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र निवासी अजीत सिंह नामक युवक ने फिंगरप्रिंट क्लोन तैयार करना सिखाया। उसके बाद जल्दी धनवान बनने की कोशिश में आहगीर और फादल साइबर अपराध में संलिप्त होकर लगभग 165 लोगों को अपना शिकार बनाते हुए करीब 20 लाख रूपये की चपत लगा चुका है। इस मामले में पकड़े गए साइबर अपराधी से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तारी में साइबर अपराध के नोडल अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक सुधीर जायसवाल एवं साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह उनकी टीम की विशेष भूमिका रही। साइबर क्राइम थाना जनपद आजमगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 4/22 419-420 आईपीसी 66 सीआईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना के दौरान आईओ अनिल सिंह के द्वारा आहगीर शेख उर्फ आदिल, जो कि जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक लैपटॉप, पॉलीमर केमिकल जिससे फिंगरप्रिंट तैयार किए जाते थे, बायोमेट्रिक स्कैनर, बने हुए फिंगर क्लोन 209, फिंगरप्रिंट पैड, बटर पेपर, कांच प्लेट, पॉलीमर, 2 मोबाइल फोन और आधार कार्ड व पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान इसने बताया है कि यह ग्राहक सेवा केंद्र एक साल पहले लगभग संचालित करता था। इसी दौरान इसने लोगों के फिंगर क्लोन करने सीखे और उसके माध्यम से ग्राहक सेवा केंद्र पर आए हुए लोगों का फिंगर क्लोन करके एईपीएस के माध्यम से लोगों के खातों से बिना उनकी जानकारी के धोखाधड़ी से ये पैसा ट्रांसफर कर लेता था।
इसी घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसने पूछताछ में यह भी बताया कि इसके द्वारा लगभग 165 लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड किया गया था, जिसमें 15 से 20 लाख रुपए के आसपास इसके द्वारा निकाले गए हैं। विस्तार से इससे साइबर टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जितने भी इस प्रकार के अपराधी हैं उन सभी को कानून की जद में लाते हुए कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट, जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरा पट्टी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के अंदरू एयरपोर्ट निर्माण का काम पूरा हो गया। शुक्रवार को एयरपोर्ट पर निरीक्षण करने के लिए वाराणसी से उड्डयन विभाग के अधिकारियों की टीम आजमगढ़ एयरपोर्ट पहुंची और निर्माण का निरीक्षण किया। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत आजमगढ़ में वर्ष 2018 में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। 20 करोड़ से अधिक लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हो गया। शुरुआत में आजमगढ़ से लखनऊ की ही उड़ान शुरू होगी। अन्य जगहों के लिए ऑपरेटर से बात चल रही है, जिसके बाद अन्य जगहों के लिए यहां से उड़ान शुरू हो सकेगी। जिले में बनने वाले इस एयरपोर्ट का निरीक्षण करने आज वाराणसी से उड्डयन विभाग के अधिकारियों की टीम जनपद पहुंची, जहां से एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा के साथ टीम ने एयरपोर्ट निर्माण कार्य का जायजा लिया। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण करने आए अधिकारी तैयारियों से संतुष्ट दिखे। जो भी कमी रह गई उसे एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा, जिससे जिले से जल्द उड़ान शुरू की जा सके। कल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिस्टर सिंधे यहाँ पे भ्रमण किया। उन्होंने उसके सरफेस को चेक किया, जिसको गुणवत्तापूर्ण पाया। UPRNN के इंजीनियर भी थे और उन्होंने पूरी संतुष्टि प्रकट की। इसके बाद MOU पे हस्ताक्षर के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अभी कब तक कितना परसेंट तक पूरा काम हो चुका है? देखिए, कार्य तो हमारा 100% पूर्ण है। सिर्फ कुछ जो है ऐसी औपचारिकताएं रह गई हैं, जैसे MOU पे साइन होना। MOU के साइन होने के पश्चात ही इसका परिचालन किया जाएगा। एक्सरे मशीन आ गई है, लोगों की चेकिंग के लिए सारी चीज तैयार है। उड़ान के लिए एयरपोर्ट तैयार है, सिर्फ औपचारिकताएं पूर्ण होना बाकी है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर की अध्यक्षता में तहसील बुढ़नपुर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 65 मामले आए, जिसमें से 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 59 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व के 25, पुलिस के 19, विकास के 12 एवं अन्य के 9 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों में संबंधित आवेदन पत्र हैं, उसे जल्द से जल्द शत प्रतिशत निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर SDM बुढ़नपुर, तहसीलदार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर SDM सदर GR चौधरी की अध्यक्षता में कुल 56 फरियादियों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिनमें से 3 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शेष 53 मामलों की समय बाद निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। आईसीएसई के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सभी विषय के अनुभवी शिक्षक। पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नवीन शैक्षिक सत्र के तहत बिलरियागंज क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय खारिसपुर में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने कई आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी राली मिश्रा ने कहा कि बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर माहौल दे, सपने जरूर साकार होंगे। अभिभावकों को उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। कहा कि पढ़ाई से ही लोगों की तरक्की संभव है, बिना पढ़ाई के आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है। सरकार की मंशा है कि हर गांव मोहल्ले का प्रत्येक बच्चा जो विद्यालय जाने के योग्य है, विद्यालय में उसका पंजीकरण करें, उसे शिक्षा से जोड़ा जाए, कोई भी बच्चा शिक्षा पाने से वंचित न रहने पाए। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यह अभियान 30 अप्रैल तक संचालित रहेगा। 5 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया, जिससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा तथा विद्यालयों में अच्छे शिक्षा का माहौल बनेगा। ये जो है 30 सितंबर तक स्कूल चलो अभियान चल रहा है हमारे यहाँ, पूरे ये प्रदेश स्तर का प्रोग्राम है। तो इसमें बच्चों के नामांकन के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें सभी लोग की सहभागिता, चाहे हमारे प्रधान अध्यापक हों और विद्यालय से संबंधित है, और यहाँ पे जो SMC के अध्यक्ष हैं, हमारे ARP हैं, SRG हैं, तो ये सब आए हुए हैं। तो इस बच्चों को मोटिवेशन मिलता है ना इस प्रोग्राम के माध्यम से। स्कूल चलो अभियान हम लोग जागरूक कर रहे हैं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कराएँ, तो इसी में ये प्रोग्राम चल रहा है। देखा जाता है कि कहीं कहीं बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं आते, क्या कारण रहता है विद्यालय से? नहीं नहीं, अभी आप देखेंगे यहाँ का तो यहाँ करीब हमारे 283 बच्चे हैं, 283 से ज्यादा ऊपर नामांकन, ये अभी 30 सितंबर तक चलेगा तो ज्यादा जाएगा। और हमारे यहाँ किसी 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 में तो 350-400 बच्चे हैं। कुछ विद्यालय में कहीं कहीं है प्रॉब्लम, जो कि स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हम लोग वहाँ नामांकन बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्थिति अच्छी है। हम स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़, डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बचपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, इस्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। श्री दुर्गा जी गर्ल्स डिग्री कॉलेज सहंदा की परीक्षा से वंचित छात्राओं ने शनिवार को प्राचार्य पर लापरवाही बरतने व उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर DM को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय की लापरवाही के कारण 51 छात्राओं की BA द्वितीय की वर्ष 2021 का परीक्षा फल अभी तक नहीं आया है। प्राचार्य ने कहा कि आप लोग BA द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण हो चुकी हैं, अगली कक्षा में अपना नामांकन करवा लें। प्राचार्य के कहने पर हम सभी लोग अपना BA तृतीय वर्ष की नामांकन करवा लिए, साथ ही परीक्षा बोर्ड का फॉर्म भरे, लेकिन परीक्षा के दौरान अभी प्रवेश पत्र न आने से वो इस सत्र में परीक्षा से वंचित हो गए। जबकि प्राचार्य ने इस बात करना चाहते हैं वो उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उन्होंने DM को दिए गए शिकायती पत्र में दोषी प्राचार्य की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर सोनाली निगम, दीपशिखा कुमारी, पूजा कुमारी, ममता कुमारी, उजाला कुमारी, चंदा कुमारी, ज्योति भारती, गुड्डी भारती, खुशबू कुमारी, पुष्पा यादव, जागृति भारती, प्रिया यादव आदि शामिल रहे। दुर्गा जी गर्ल्स डिग्री कॉलेज सैदा आजमगढ़, हम लोगों का सेकेंड ईयर में रिजल्ट नहीं आया है और वो बैक हो गया था, इसके लिए हमारी मांग है ये कि हमारा एग्जाम कराया जाए। एग्जाम हो रहा है, इस वक्त एग्जाम नहीं है, हम लोगों का कुछ कराया गया है। क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों की मतलब बैक पेपर का
कोई मतलब सलूशन ही नहीं लोग ढूंढे हैं। इतने दिन से हम लोगों का बस वही चल रहा है कि अब आ जाएगा तब आ जाएगा, लेकिन आया नहीं अभी तक। रिजल्ट नहीं आया, कंफर्म नहीं हुआ है रिजल्ट, और हम लोगों नहीं आया है और थर्ड ईयर का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या दिक्कतें होंगी अगर आप रिजल्ट नहीं आया? क्या हमारा एक साल लॉस जा रहा है, हमारा एक साल लॉस जा रहा है और प्रबंधक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का रिजल्ट आए, रिजल्ट आए, और हम लोगों का नहीं रिजल्ट आ सकता तो पेपर करवाएं बैक, उसका कुछ मांग कुछ भी नहीं किए हैं हम लोगों का। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। इन मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल अराजीबाग विद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य निर्मला श्रीवास्तव की प्रथम पुण्यतिथि विद्यालय प्रांगण में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती मालती मिश्रा ने किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में युवा समाज सेवी अविनाश चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव हानी, अभिषेक जायसवाल, दीनू पुनीत राय, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष माला द्विवेदी, गायत्री परिवार की उषा शर्मा, कंचन मिश्रा उपस्थित थे। सर्वप्रथम अतिथियों ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलन किया। तत्पश्चात लोगों ने निर्मला श्रीवास्तव को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर पूनम तिवारी ने बताया कि निर्मला एक व्यक्ति नहीं एक अनोखा व्यक्तित्व था, जो नारी शक्ति संस्थान, भविष्य दीप, कला केंद्र, भारत विकास परिषद, संस्कार भारती, बनवासी छात्रावास, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम, गायत्री परिवार, राष्ट्रीय साहित्य कला संस्थान सहित अन्य कई स्वयंसेवी संस्थानों से जुड़ी थी। सभा को संबोधित करते हुए उषा शर्मा ने कहा कि आप जैसे विशाल हृदय की महिला कभी कभी इस धरा पर अवतरित होती हैं। हमने यहाँ किसी ने भी किसी बच्चे के लिए अगर सिफारिश की होगी तो आपने उसकी पूरी शिक्षा दीक्षा मुक्त कराई है, ये आपके महान व्यक्तित्व का परिचायक है। पुनीत राय ने कहा कि बड़ी मिस हम पूरे जीवन में नहीं भूल पाएंगे और उनकी केवल एक खूबी को ही अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभिषेक जायसवाल ने कहा कि इस युग में महिलाएं दो कदम आगे बढ़ रही हैं तो कहीं न कहीं इसके पीछे निर्मला श्रीवास्तव का हाथ रहा है। हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि निर्मला जी समाज सेवी के क्षेत्र में दो कदम आगे ही रहती थी। संस्कार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी तिवारी ने कहा कि हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि वो हम एक ममतामयी माँ की जैसे हमारे प्रति व्यवहार नहीं किया, वो सबके लिए शीतल छांव के समान थी। सलील श्रीवास्तव ने अपने माँ को याद करते हुए भाव विभोर हो गए और कहा कि वो बेटा बहुत भाग्यशाली होता है जिसकी माँ सबकी माँ होती है, ऐसा प्यार और दुलार समाज के लिए कम लोगों को नसीब होता है। सभा को संबोधित करते हुए उसकी यादें उसके कार्य सदैव इस धरा पर जीवित रखते हैं। सरोज यादव गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। इस अवसर पर शंभुनाथ मिश्रा ने अपने निर्गुण भजनों से लोगों का मन मोह लिया। विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड संध्या रानी गौड़ ने लोगों के प्रति आभार ज्ञापन किया। इस अवसर पर अपनी माँ को याद करते हुए सुधांशु श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी जैसी महिला समाज को एक नई दिशा और दशा दी गई, ऐसे लोग इस धरा पर कभी कभी अवतरित होते हैं, उन्होंने सबके लिए एक नया आदर्श प्रस्तुत किया। सभा की अध्यक्षता करते हुए मालती मिश्रा ने कहा कि निसंदेह निर्मला जी एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थी, जो भी एक बार उनसे बात कर लेता था उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया। इस अवसर पर अजेंद्र राय ने कहा कि एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी, नारी शक्ति के रूप में निर्मला जी का योगदान समाज के लिए अतुलनीय है और समस्त लोगों के लिए अनुकरणीय भी है। विद्यालय के प्रबंधक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन आलोक कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ विजयलक्ष्मी मिश्रा, पूनम सिंह, सुमन सिंह, निरुपमा पाठक, अनीता द्विवेदी, रमाकांत वर्मा, सीताराम पांडे, अनीता पांडे, गीता त्रिपाठी, आराधना श्रीवास्तव, ज्योत्सना पांडे, नीलम दुबे राय, अनूप कुमार श्रीवास्तव, आकांक्षा अनामिका, सचिन प्रजापति, हरिप्रसाद, मुकेश विश्वकर्मा, अमन श्रीवास्तव, सुधा तिवारी, अर्चना वत्सल, उमेश सिंह गुड्डू, संतोष राय, सारिका अमितलता, अनीता, आलोक श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ के रानी की सराय थाने की पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वर्ग विशेष के प्रति अभद्र टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले को गिरफ्तार किया है। रानी की सराय थाना क्षेत्र के घाटी पट्टी
ग्राम निवासी कमलेश कुमार पुत्र राम समुजराम के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज की गई कि उसने वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल की है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए की गई शिकायत की जांच की। तथ्य सही मिलने पर रानी के सराय थाने पर तैनात उप निरीक्षक अभिषेक सिंह ने शनिवार को दिन में आरोपी कमलेश कुमार को क्षेत्र के सुनवारा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।